हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? चलिए आज हम बात करते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में 6 kVA की 90 से 300 वोल्ट। और दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे कि आप डिजिटल किट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल किट का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। डिजिटल किट जो है वो असेंबल करने में काफ़ी आसान होती है, रिपेयरिंग करने में आसान होती है, साथ में ये बहुत कम ही प्राइस पे मार्केट में उपलब्ध है। अगर कुछ लोग को ये उपलब्ध नहीं हो पाते, कुछ भाइयों को, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, कमेंट लिखें, हम आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और ना हो तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी जाकर आप खरीद सकते हैं अमेजोन से। तो चलिए दोस्तों, ये आप देख लीजिए, ये 6 kVA का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की डाटा, जिसमें बॉबिन साइज होगी आपको 6 kVA में आपको अच्छी क्वालिटी की कोर लगानी होगी, क्योंकि ये लोड हो गया, हैवी लोड के लिए हो गया स्टेबलाइजर। इसमें C692 यूक्रेन CRGO इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपका कोर का जो प्रयोग करना है वो 8 नंबर कोर का प्रयोग करना है, जिसकी चौड़ाई होगी 3 इंच, यानी कि 8 नंबर 3 इंच में होगी इसकी बॉबिन साइज। और साथ में इसमें आपको जो वायर गेज का प्रयोग करना है, स्टैंडर्ड वायर गेज, वो अच्छी क्वालिटी के ले लीजिएगा, क्योंकि ये हैवी लोड का स्टेबलाइजर है। और इसमें आप अच्छी क्वालिटी का अगर वायर नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्योंकि ये हैवी लोड की है। इसमें जो आपको वायर गेज लगाना है वो 13 नंबर लगानी है। आप चाहें तो 12-13 भी लगा सकते हैं, सिर्फ 12 भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपने बजट के अनुसार है कि आप कितने में बेच रहे हैं। और ये लगभग आपको 4.5 किलो, यानी कि 4 किलो 500 ग्राम से लेकर 5 किलो 100 ग्राम तक की लगेगी, जो आप वायर लगाना चाहेंगे उसके हिसाब से। अब चलिए हम जब ट्रांसफार्मर की रिवाइंड शुरू करते हैं, तो पहला न्यूट्रल जो है वो 0 होगा, 0 टर्न वहाँ से स्टार्टिंग होगी और आपको 165 टर्न पे प्राइमरी हो जाएगी। 165 टर्न आप 13 नंबर डाल सकते हैं या पूरे 12 नंबर भी डाल सकते हैं, और इसके बाद आप सेकेंडरी में चाहे तो 12 नंबर भी डाल सकते हैं और 13 नंबर भी डाल सकते हैं, तो आपके ऊपर है कि आपको कैसी बनानी है। तो उसके बाद जो सेकेंड लूप निकालेंगे हम, उसको 0 नहीं करना है दोस्तों, वहीं से आपको आगे बढ़ते जाना है 165 से आगे, और 240 जब आए तो आपको लूप निकाल देनी है, फर्स्ट लूप। उसके बाद आपको निकालनी है 289 पर सेकेंड लूप, और उसके बाद 350 पर आपको निकाल देनी है लास्ट लूप। अगर आप 5 लूप वाली बनाना चाहते हैं तो 348 या पे आपको एक और लूप निकाल देना है, वो 5वीं लूप हो जाएगी। इसमें आपको 24 वोल्ट रिले के लिए 27 टर्न लगाने हैं, वो भी 22 नंबर वायर से, आप चाहे तो 23 नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसकी फुल डाटा हो गई, और आप इसको रिवाइंड कर लीजिए अच्छी तरह से। दोस्तों, एक बात और, इसको जब भी रिवाइंड करें तो टाइट करें, क्योंकि ढीला करने से ट्रांसफार्मर में हमिंग आ जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।